दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप मीशो यूज़ करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि मीशो पर जो आपने यहाँ पे सर्च किया था, ठीक है, जो सर्च हिस्ट्री है यहाँ पे आप देख सकते हैं योर रीसेंट सर्चिंग, यानी कि हमने रीसेंट में क्या क्या सर्च किया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप इसे कैसे हटाएंगे, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से हटा पाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। तो चलिए आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, यदि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना है, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं बताते हैं। मीशो पे आपको इस तरीके से देख सकते हैं, यहां पे आप जब आते हैं मीशो के अंदर और यहां सर्च बार पे ऊपर टैप करते हैं तो यहां पे नीचे की तरफ आपको इस तरीके से मिलता है, ठीक है। यहां पे आपने जो भी सर्च किया होगा सारी चीजें यहां पे आपका शो हो जाएंगी। नीचे आप देख सकते हैं पॉपुलर सर्च, जो आपने ज्यादा सर्च की होगी वो वहां पे आपको नीचे मिल जाएगी। अब इसे आपको हटाना कैसे होगा, इसे हटाने का एकमात्र तरीका है आपको क्या करना है। अब आपको सबसे पहले ये पता करना है कि हमारा मीशो अकाउंट किस मोबाइल नंबर से बना है, ठीक है। वो पता करने के लिए आपको अकाउंट पे जाना है। अकाउंट पे जैसे ही जाएंगे आप ऊपर वाले सेक्शन पे, यहाँ पे आपका अकाउंट होगा उस पर क्लिक करेंगे और ऐड प्रोफाइल पे जैसे ही आप टैप करेंगे यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर थोड़ा ब्लर टाइप में, यानी कि थोड़ा भद्दा टाइप में दिखेगा, आपको देख लेना है, ठीक है। वो देखने के बाद सिंपल से आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आप सिंपल से मीशो पे लॉन्ग प्रेस करना है, एफ इन्फो पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे, मीशो को यहाँ से फर्स्ट स्टॉप करना है, स्टोरेज यूज़ पे क्लिक करेंगे, क्लियर कैश करना है। अब यहाँ पे क्लियर डाटा आपको तभी करना है, आपके पास वो नंबर होना चाहिए उस पर जब आप दोबारा लॉगिन होंगे, यानी कि यहाँ पे क्लियर डाटा करेंगे लेकिन आपको फिर से लॉगिन होना पड़ेगा उसी नंबर से, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको नंबर डालना होगा, फिर ओटीपी आएगी, ठीक है। ओटीपी आएगी, वो आपको डाल देनी होगी। ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके फिर से वहाँ पे पहुँच जाओगे और आपकी जो सर्च हिस्ट्री है, ठीक है, मीशो की, वो सारी वहाँ पे डिलीट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, अगर आपको ये दिक्कत आए तो मेरी वीडियो को डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको दे चुका हूँ। इसी तरीके से आप अपने मीशो पर जो सर्च हिस्ट्री है, ठीक है, पॉपुलर हिस्ट्री है जो आपने सर्च की है, वो आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है, सिंपल सा तरीका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।